नमस्कार दर्शकों, आज हम विशेष उपाय में चर्चा करने वाले हैं करवा चौथ पर किया जाने वाला विशेष उपाय महिलाओं के द्वारा। यदि ये उपाय महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ के दिन करती हैं तो आपके परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, पति का कारोबार आपका दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा, आपकी अलमारी, आपका सेफ, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। ये उपाय मात्र एक ही दिन पूरे वर्ष में किया जाता है, करवा चौथ के दिन। जब भी करवा चौथ का दिन आए उससे पहले आपको ये उपाय की जो सामग्री है वो ला करके रख लेनी है। आप ध्यान से सुने ये सामग्री और अवश्य ले आए। इसके लिए चाहिए हमें एक मुट्ठी अच्छी क्वालिटी के चावल, बढ़िया बासमती अच्छी क्वालिटी के चावल लेकर के आए, जो बिल्कुल खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। केसर लेकर के आना है हमें, 1 ग्राम या आधा ग्राम केसर की एक डिबिया ले आए, और लाने हैं 4 मोती, मोती जो हम अंगूठी में पहनते हैं, समुद्र से प्राप्त अच्छी क्वालिटी के 4 मोती। उसका वजन कोई मैटर नहीं करता, आप छोटे या बड़े अपनी समर्थता के अनुसार ले सकते हैं। एक हमें चाहिए छोटी डिबिया, चांदी की हो तो बहुत अच्छा, अगर समर्थ नहीं है तो आप स्टील की भी छोटी डिबिया ले सकते हैं। मित्रों, ये है सारी सामग्री। जब आप करवा चौथ का व्रत रखें, सुबह से नहा धोकर आराधना पूजा करने के बाद आपने केसर को पानी में घोल करके उसमें चावल जो है उनको डाल देना है, और अच्छे से हाथों से चावलों को पीला मसल कर पीला रंग उस पर चढ़ा देना है। यानी कि केसर का जो हमारा मतलब है लाने का, वो है चावलों को पीला करने का। ये चावल केसर से ही पीले करने हैं, हल्दी से पीले नहीं करने हैं। एक प्लेट में इन चावलों को बिखेर लें और सूखने के लिए आप इसे रख दें। ध्यान रहे, ये चावल आपको छाया में सुखाने हैं, घर से बाहर नहीं लेके जाने, अपने कमरे में ही रखें और सुखाएं, हल्का सा फैन पंखा चला दें। करीबन 4 बजे तक, जब ये चावल बिल्कुल येलो हो जाएं, पीले हो जाएं, सूख जाएं, और जो भी आपका समय पूजा का हो शाम का वो कर लें, उसके बाद इन चावलों को 4 मोती गंगा जल से, गोमूत्र से, पंचामृत से धो लें, शुद्ध कर लें, और एक चांदी का चकोर टुकड़ा या चांदी का कोई भी सिक्का जो घर पे उपलब्ध हो, या आप जब मोती लेने के लिए जाएं तो सुनार से एक चांदी का चकोर टुकड़ा छोटा कटवा लें, 1x1 इंच का। इसको भी आप शुद्ध कर लें, धो लें, और इस पर भी केसर का तिलक करें, मोतियों पर भी केसर का तिलक करें। करने के बाद आपको किसी भी लाल रंग के वस्त्र, छोटा सा एक थैली बना लें वस्त्र की, उस थैली के अंदर इन सब वस्तुओं को, चावल को, 4 मोती, चांदी का चकोर टुकड़ा, इसे डाल लेना है, और मनोकामना
आपकी धन को, धन की जो आपके कमी है उसको देखते हुए आपने माता लक्ष्मी से ये वरदान मांगना है कि मैं इस पोटली को अपने घर में स्थापित कर रही हूँ, करवा चौथ के दिन मेरे पति की इनकम में कभी कमी ना आए, दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की हो, हर तरफ से समृद्धि आए, घर में सुख शांति रहे। ऐसी कामना करते हुए चांदी की डिबिया में आपने वो पोटली डाल करके या स्टील की वो डिबिया में आपने वो पोटली डाल करके अपने घर में शुद्ध जगह, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसे स्थापित कर लें। जितना हो सके आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी दक्षिण की तरफ हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वहाँ पर इसे स्थापित कर दें। बहनों, जब ये आप उपाय करें तो शुद्ध अवस्था में करें, आप देखेंगे इस उपाय से पूरे वर्ष आपको लाभ मिलेगा, हर तरफ से पैसा आएगा, पैसा आपके पास रुकेगा, धन आपके पास जुड़ेगा। ये उपाय हर करवा चौथ को करें, नए जब नेक्स्ट करवा चौथ आए उसमें पुरानी सामग्री को जल प्रवाह करके नई सामग्री को फिर से रख लें। ये करवा चौथ का बहुत ही विशेष उपाय है, अवश्य सभी को शेयर करें ताकि सभी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं ये उपाय कर पाएं और पति का और आपका हाथ कभी भी धन से खाली ना हो। धन्यवाद। जय माता।